हर रोज लाखों की संख्या में लोग आईफिल टावर को देखने आते हैं, लेकिन जैसे ही आईफिल टावर को बम से उड़ाने की धमकी मिली, पूरा माहौल ही बदल गया। पुलिस ने पूरे आईफिल टावर को खाली करा दिया। पेरिस की पुलिस के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटक स्थलों में से पेरिस का आईफिल टावर है, जहां बम की धमकी मिली थी। पुलिस ने कहा कि धमकी मिलने के बाद एहतियात के तौर पर आईफिल टावर को सबसे पहले खाली करा लिया गया, इसके बाद अब इसे जनता के लिए बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पेरिस में आईफिल टावर के 3 मंजिलों को खाली करा दिया गया है। इसके साथ ही बम निरोधक दस्ते को मौके पर भेजा गया। पुलिस की कई टीमें मौके पर तैनात थी। आईफिल टावर के आसपास बम की तलाश हो रही थी। ऐतिहासिक स्मारक के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी और पर्यटकों से कहा जा रहा था कि वो टावर से दूर रहें। दरअसल शनिवार दोपहर 1:30 बजे के आसपास ऐसी धमकी मिली थी कि आईफिल टावर के पास बम है। इसके बाद तुरंत टूरिस्टों को 3 मंजिलों और स्मारक के नीचे के चौक से हटा दिया गया। आईफिल टावर की सुरक्षा की बात करें तो टावर के साउथ पिलर पर एक पुलिस स्टेशन है, जहां भारी संख्या में पुलिस तैनात रहती है। प्रमाइसिस में प्रवेश करने से पहले टूरिस्ट को कड़ी सुरक्षा निगरानी से होकर गुजरना पड़ता है, और कल जब बम धमाके की खबर मिली तो लोगों को वहां से हटा दिया गया। आईफिल टावर घूमने आए एक टूरिस्ट ने बताया, ऐसा लग रहा था मानो मैं लंदन में हूँ, जहां पर बॉम्ब थ्रेट्स बहुत आम बात है। हम हर रोज सुनते हैं कि बॉम्ब अलर्ट है, और अब पेरिस में भी ऐसा हो रहा है। इसे देखकर मैं चौंक गया हूँ। एक और टूरिस्ट कहते हैं कि ये थोड़ा डरावना था। इसका मतलब ये है कि ये एक शहर है, यहाँ पर गर्मियों के वक्त में बहुत सारे लोग होते हैं, और अगर वो लोग इस जगह को निशाना बना रहे हैं तो ये वाकई में डरावना है। एक दूसरे टूरिस्ट कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सुबह 7 बजे से चलकर यहाँ पहुँचे थे, और यहाँ आने के बाद तकरीबन हमें 2 घंटे लग गए अंदर आने में। इसके बाद भी हम लगातार इंतज़ार करते रहे और आईफिल टावर बंद था। दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि पेरिस का ये आईफिल टावर पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन कल जैसे ही यहाँ पर बम की खबर मिली, लोगों को यहाँ से हटा दिया गया। 1889 के वर्ल्ड फेयर के दौरान 2 मिलियन पर्यटकों ने आईफिल टावर को देखा था। आईफिल टावर के रात के समय की तस्वीरें खींचना गैर कानूनी माना जाता है, साथ ही टावर की लाइट्स कॉपीराइट के तहत आती हैं। लिहाजा रात के समय अगर कोई आईफिल टावर की तस्वीरें क्लिक करना चाहता है तो उसे सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, और ये पेरिस का सबसे नायाब पर्यटक स्थल है, जहां पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं। लेकिन यहां पर ऐसी खबर ने सनसनी मचा दी थी।